कन्नौज से ही खबर, जहां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। मतदान के लिए सुबह से ही बूथों पर वोटरों की भीड़ जुटी हुई है। बता दें, जिले में 499 ग्राम सभाओं के 12,24,663 मतदाता वोट डाल रहे हैं। सुबह मौसम ठंडा होने के चलते वोट प्रतिशत बढ़ने की आशंका है। पोलिंग बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। बीडीसी की 676 और जिला पंचायत सदस्य की 28 सीटों के लिए भी मतदान होगा। डीएम और एसपी ने सुबह से ही कमान संभाल रखी है। तो मतदान जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से ही लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस की यहां पर धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर लोग नहीं कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। बता दें, सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जिले की 499 ग्राम सभाओं के 12,24,763 मतदाता वोट डाल रहे हैं, लेकिन मतदान के दौरान गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। कन्नौज से खबर दे रहे हैं, जहां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। मतदान की सुबह से ही बूथों पर वोटरों की भीड़ जुटी हुई है। जिले की 499 ग्राम सभाओं के 12,24,763 मतदाता वोट डाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, बताए, कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? ये आपको बताने अगर स्थिति की बात करें तो अभी तक सुबह का लगभग 9:30 बज चुका है, तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और जनता जो है अपनी बारी का इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं अगर पूरे कोविड काल चल रहा है, कोविड काल की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये सबसे बड़ा इशू है। ये हमें किसी बूथ पे देखने को नहीं मिल रही। अगर ओवरऑल जिले में अगर मतदाता और सीटों की बात करें, जिले में 499 ग्राम पंचायत के लिए लगभग 4,325 प्रत्याशियों ने जो अपना भाग अजमा रहे हैं। वहीं अगर बीडीसी की बात करें तो 676 से लोगों ने अपना सीटों के लिए 2,880 लोगों ने अपना दावा ठोका। वहीं जिले में अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो 28 जिला पंचायत सीटें हैं जिसमें 424 लोगों ने अपने भाग को आजमा रहे हैं। वहीं अगर पूरी तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और सड़कों पर मुस्तैद है। सुबह से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बूथ बाय बूथ दौरा कर रहे हैं, सारी स्थिति को देख रहे हैं। अभी तक माहौल यहाँ पे शांत है, मतदाता जो है अपना वोट दे रहा है। जी जी शुभम जी, ये भी बताएं कि मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर ये भी जानकारी मिल रही है कि जो गाइडलाइंस दी गई मतदाता की बात करें, जो एंगेज मतदाता है तो ये मतदाता ग्रामीण क्षेत्र से आता है। इसमें जो कुछ एंगेज मतदाता है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जिनको पहली बार वोट करने का जो मौका मिला हुआ है, तो उनमें काफी खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। कि उनको ये कहना है कि अभी तक जिस तरीके से ग्राम हमारे छोटी संसद कही जाती है, ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम प्रधान उनके रहते रहे, लेकिन अब उनके अंदर एक ये भावना जागी है कि हम पढ़ा लिखा प्रत्याशी जो आगे आके हमारे गांव का विकास करे, हम ऐसा प्रत्याशी चुनके मैदान पर ला। कहीं ना कहीं जो नया युवा जुड़ा है तो उसे काफी हद तक जो है जो प्रत्याशी चुना जाएगा काफी पढ़ा लिखा हो, काफी योग्य होना चाहिए। जी जी शुभम, ये भी बताएं कि जहाँ जैसे कोरोना महामारी है, हम देख रहे हैं हर कहीं संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का पालन यहाँ नहीं हो रहा है। लोग लगे हुए हैं लाइनों में, कतारों में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। जी नहीं, अब ये बात जो कोविड काल की बात है, ये सबसे पहले मैंने बताई थी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो लगभग किसी बूथ पे ये देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ का यहाँ पर अगर प्रशासन की बात की जाए, शासन व्यवस्था की बात की जाए, अभी मैं एक बूथ पे खड़ा था, वहाँ पे लगभग 500 से 600 जो मतदाता खड़े थे उनके बीच में 4 सिपाही, 1 दरोगा, 3 सिपाही तैनात था। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं 3 सिपाही और 1 दरोगा नियम को किस तरीके से पालन करा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, इसको समझाने में काफी टाइम लगता है, ये समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जनता मानने को तैयार है। पुलिस तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है, उनको
तनाव ही दूर कराने की कोशिश कर रही, लेकिन थोड़ी देर बाद धूप भी अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो धूप का प्रचंड रूप आता जाएगा, तो पेड़ की छांव में खड़े हैं, कुछ कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जिसको मतदाता को धूप से बचाया जा सके, तो मतदाता धूप होने के कारण फिर वो आके सिमट के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने लगते हैं। जी चलिए शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के अपडेट्स हम आपसे लेंगे। तो बता दें कि सुबह से ही मतदान यहाँ पर शुरू हो गया है और लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ धज्जे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ये भी आपको बता दें, जिले के 499 ग्राम सभाओं के 12,24,763 मतदाता वोट डाल रहे हैं।